हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम जो हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़े थे उनको बनाने की विधियों में देखेंगे, उनके बनाने की विधियां देखेंगे। सबसे पहला था N2O बनाने की विधियां। देखिए, सबसे पहले हम N2O बना रहे हैं, ध्यान सुनिए। पहली विधि देखिए, अमोनियम नाइट्रेट ले लीजिए, उसको गर्म कर दीजिए और इसको चेक करिए कि इसमें से हम कितने जल के अणु निकाल सकते हैं। सबसे पहले चार हाइड्रोजन है, तीन ऑक्सीजन है, तो इन दोनों में हम इतने जल के अणु निकाल सकते हैं। देखो, दो दूनी चार, यानी कि दो ऑक्सीजन और चार हाइड्रोजन को लेकर हम दो जल के अणु निकाल सकते हैं और एक ऑक्सीजन बच जाएगा। तीन थे, दो निकल गए, एक बचा। और देखिए, यहां पर N और N बचा, यानी कि N2O, 2H2O प्लस N2O बन के तैयार। आगे देखिए, आगे क्या है, अगला है हमारा, आप HNO3 ले लीजिए डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट ले लीजिए और उसकी अभिक्रिया आप Fe और ZN के साथ करा दीजिए। बाकी तो मैं रिएक्शन ये आपको बता चुका हूं और यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि N2O मिलेगा, ठीक है। बाकी तो पता होगा आप लोगों को क्योंकि आप ये रिएक्शन पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लस H2O, ठीक है, और बैलेंसिंग अपने आप कर लेना, ठीक है ना। तो रिएक्शन बता चुका हूं मैं आपको, बैलेंसिंग अपने आप करना, ठीक है। तो डाइल्यूट लेना है और हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुओं से अभिक्रिया करवा देनी है, आपको N2O मिल जाएगा। ये रिएक्शन मैं आपको दिखा चुका हूं पीछे, ठीक है ना। तो आपको N2O मिल गई। तो इसकी दो तीन बनाने की विधियां हैं, तो मैंने तीन लिख दी है, आप नोट कर लेना। बैलेंसिंग कर लेना ना, फोर फोर दूने से दो ज्यादा, ठीक है ना। चार एफ ए, चार जेड एन हो गया, चार दुनिया आठ दो दस, और देखिए यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे पांच बैलेंसिंग हो गए। ये पीछे कर चुका हूं मैं, बार बार नहीं करूंगा, एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। बता दूंगा, वहां देख के कर लेना, ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखिए, N2O के बाद में NO, NO बनाने की विधियां। तो देखिए, आपको HNO3 लेना है, ठीक है, HNO3 लेना है आपको और हाइड्रोजन से नीचे धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं आपको ले लेनी है, ठीक है, और उनके साथ अभिक्रिया करवा दोगे तो आपको NO गैस मिल जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु में लेनी है, हाइड्रोजन से नीचे आपको NO मिलेगा। बाकी आप रिएक्शन पूरी लिख लेना और बैलेंस कर लेना, ठीक है, NO मिल जाएगी। मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है, बाकी आप आगे लिख लेना, ठीक है ना। इतना आप लोग किया करो, बैलेंसिंग करना अपने आप, देखना सीखना, ठीक है ना। उसको हो जाएगा, करवा चुका हूं पीछे रिएक्शन है, तो यहां से आपको NO गैस ही मिल रही थी उनमें, देखा था आपने, ठीक है। इसके बाद में अगली रिएक्शन देखिए, अगली रिएक्शन देखिए, क्या करना है हमको, हमको लेना है Fe(SO4) प्लस H2SO4 प्लस NaNO2, सोडियम नाइट्राइट। देखिए, Fe यहां पर 2 प्लस है तो ये बना लेता है Fe2SO4 का होल थ्राइड, मतलब तीन प्लस में पहुंच जाता है। H2SO4 को इतना गर्म करिए कि एक H प्लस निकले और HSO4 माइनस निकले, मतलब ये कंडीशन जो है 200 से टेम्परेचर कम रखोगे तो यहां से ये कंडीशन मिल जाएगी। तो यहां से Na, यहां से HSO4, क्योंकि Na प्लस वाला होता है NaHSO4, H प्लस बचा ना हमारे पास H2O प्लस NO, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेना, बन गया, इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है।
एनओ गैस बन गई हमारे, नोट कर लीजिए। नंबर तीन N2O3 बनाने की विधियां, देखिए N2O3 कैसे बनाते, देखिए ध्यान से। NO प्लस NO2, ठीक है, NO प्लस NO2 250 केल्विन टेम्परेचर। देखो दो नाइट्रोजन और दो और एक तीन ऑक्सीजन, N2O3 बन गया, हो गया। बस ऐसे बनाना है आपको, सिंपल सा फंडा है, कुछ करना नहीं है उसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी रिएक्शन है, हो गया। आगे देखिए, आगे देखिए, NO N2O4 ये रिएक्शन अगर आप देखना चाहते तो ये NCERT में रिएक्शन यही लिखी मिलेगी आपको, इसके स्थान पर ये और ये सेम चीज है आपकी। कैसे देखिए, मैं समझाता हूं आपको। NO2 का ये डायरूप है ना, मतलब दो अणुओं को मिलाकर ये बना था, तो ये और ये सेम है, वही चीज है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये लिखो चाहे ये लिखो, बनना वही है। क्या बनेगा, N2O3। दो यहां लगा दो, दो दुनी चार छ, दो यहां लगा दो और चार दुनी छ, हो गया, वही चीज है। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर 250 केल्विन। और ये NO2 का डायर रूप है, मतलब दो अणुओं को मिलाकर ये बना है। देखो दो नाइट्रोजन है, चार ऑक्सीजन, इसका दूना, इसका भी दूना, तो इसके दो अणुओं को मिलाकर ये बना है, तो इसलिए इसके और इसके गुण सेम रहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया। अगले दिन डालिए, NO2 बनाने की विधियां। NO2 NO2 बनाने की विधियां डालिए, ठीक है, हो गया। चलिए नंबर एक देखिए, आप धातु नाइट्रेट ले लीजिए, कोई भी धातु नाइट्रेट ले लीजिए और उसको गर्म कर दीजिए, कोई भी धातु नाइट्रेट ले लीजिए उसको गर्म कर दीजिए, आपको NO2 गैस मिल जाएगी। सिंपल सा फंडा है बनाने के लिए, देखिए धातु नाइट्रेट लीजिए उसको गर्म कर दीजिए, आपको NO2 गैस मिल जाएगी। एग्जांपल दिखाता हूं मैं, देखो PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको आपको गर्म करना है। सबसे पहले गैस NO2 प्लस PbO प्लस O2, हो गया, मिल गई ना हमें। हो गया, देखो तीन दूनी छह है, दो दो चार एक पांच है, चलो बैलेंस कर लो। दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, तीन दूनी छह, दो दूनी चार, दो छह एक साथ, ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा हो गया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार कर दें, चार दुनिया आठ या 24, तो चार यहां कर दो, ठीक है। अब नाइट्रोजन कितना है, चार दुनिया आठ, आठ आठ दुनी 16, 16 चार 20, ठीक है, 20 आठ दुनी चार दुनिया आठ या 24, 20 और चार 24, दो दुनी चार हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड देखिए, LiNO3 LiNO3 लिथियम नाइट्रेट, ठीक है ना, लिथियम नाइट्रेट को गर्म कर दीजिए आप, क्या मिलेगा, NO2 Li2O प्लस O2, वही चीज है सर, ठीक है, बैलेंस करोगे, बैलेंस कर लो, दो है आपके पास, तो आप ये चार कर लो, चार तिया 12, ठीक है, चार है लिथियम तो दो कर लीजिए, दो दुनी चार, चार नाइट्रोजन चार यहां लगा दो, चार दुनी आठ, दो 10, दो 12, हो गया,
बैलेंस अपवाद, अपवाद कि कौन सा धातु नाइट्रेट है जिसे गर्म करने पर NO2 गैस नहीं देता है, वो आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से नोट कर लेना। अपवाद में देखेंगे क्या होता है, आप NaNO3 को गर्म करिए, चाहे जितना भी गर्म कर लीजिए। मान लीजिए मैंने इसको 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, तो आपको मिलेगा NaNO2 प्लस O2। यहां दो कर दीजिए, यहां दो कर दीजिए बैलेंस। ठीक है, इतना गर्म किया 500, फिर भी नहीं मिली, तो मैंने सोचा और गर्म करके देख लेते हैं। मैंने इसको और गर्म किया, ठीक है, इसको मैंने और गर्म किया, देखिए तो Na2O मिला, N2 मिला, O2 मिला, NO मिला, लेकिन NO2 नहीं देता है। कितना गर्म किया, 800 डिग्री सेल्सियस। 500 गर्म किया तो इतना मिला, 800 गर्म किया ये मिला, लेकिन फिर भी हमें NO2 गैस नहीं मिली। बैलेंस कर लोगे ना, बैलेंस कर लो फटाफट इसको, कहां कितना लगाना है देख लो। चार लगा दें यहां पे, चार तीन 12, ठीक है, चार सोडियम है तो दो दुनी चार, चार नाइट्रोजन दो दुनी चार। ठीक है, अब देखिए दो, ये देखो दो और ये दो, तो कितना हो गया है, दो दो चार दो छः, छः हुआ हमारे पास, और यहाँ पे 12 था, तो दो ये और दो ये चार, चार चार दुनिया आठ, चार 12 हो गया। ठीक है, तो ये अपवाद है सोडियम नाइट्रेट कि जिस इसको चाहे इतना भी गर्म करें हमें प्राप्त नहीं होता है NO2। ठीक है, हो गया, इसको देखिए अगली, इसकी भी देखिए अभी NO2 बनाने की, अगले देखिए आगे देखिए, अगला है आपको पता है ना HNO3 अगर हम सांद्र ले ले और उसकी अभिक्रिया किसी भी धातु के साथ करा दे, कोई भी धातु ले ले, यहां पे हम Fe ले ले, Zn ले ले, Ag ले ले, आपको पता है कि सांद्र में ये क्या देता है, NO2 देता है। बाकी आप रिएक्शन खुद लिख लेना, Fe, Zn, Ag, Hg, Pb, किसी के साथ भी लिखना चाहो लिख सकते हो, और आपको पता है क्या देगा, NO2 गैस देगा। ये रिएक्शन में लिखा चुका हूं, आपको यहां लिखनी है। ठीक है, हो गया, आगे देखिए, आगे है हमारा N2O4 बनाने की विधियां। N2O4 बनाने की विधियां देखिए, NO2 तो पढ़ा था आपने, NO2 के दो अणुओं को ले लीजिए क्योंकि ये इसका डायरूप होता है, ठीक है ना, डायमराइज होते हुए बनता है, तो NO2 के दो अणुओं को ले लीजिए और आपका बन जाएगा। ठीक है ना, कंडीशन क्या है बस वो देखिए, NO2 को ठंडा कर दीजिए N2O4 बन जाएगा, N2O4 को गर्म कर दीजिए NO2 बन जाएगा, ये एक दूसरे से बनते रहते हैं। ठंडा करोगे इससे ये बनेगा, गर्म करोगे इससे ये बन जाएगा, बस रिएक्शन कंप्लीट, कुछ नहीं करना है। N2O4 हो गया, उसके बाद में लास्ट में बचता है N2O5। N2O5 बनाने की विधियां, N2O5 है, ध्यान समझना इसको, ठीक है ना। सबसे पहले एक सिंपल सी ट्रिक देख लीजिए, बड़ा प्लस बड़ा, एरो का निशान, बड़ा प्लस बड़ा, जब आप बड़ा लोगे और बड़े की अभिक्रिया बड़े के साथ करवाओगे तो आपको बड़ा प्लस बड़ा ही मिलेगा। जैसे समझाता हूं, P4O10 फास्फोरस डेकाहाइड्रेट, ये P2O5 का डायरूप है, P
P2O5 ये इस रूप में अस्थायी रहता है इसलिए इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये देखिए यहां पर फास्फोरस की आक्सीकरण संख्या सबसे ज्यादा कितनी है, +5 है, इससे ऊपर होती नहीं फास्फोरस की, फास्फोरस की सबसे अधिकतम आक्सीकरण संख्या +5 है, तो इसकी उच्चतम आक्सीकरण संख्या, तो बड़ा लिया बड़े की बड़े के साथ, नाइट्रोजन HNO3 में +5 दिखाता है, बड़ा बड़ा हो गया। अब देखिए क्या बनाएगा, N2O5 +5 है यहां पे, प्लस बड़ा बचा तो बड़े के लिए H3PO4 यहां पे +5 दिखाता है, बड़ा लिया बड़ा बना, बड़ा लिया बड़ा बना, हो गया क्लियर। बैलेंसिंग कुछ नहीं करना है, चार फास्फोरस चार लगा दीजिए। अब आगे देखिए, 4 × 3 = 12, दो नाइट्रोजन है यहां पे, दो नाइट्रोजन है और यहां पे 12 हमारे पास में हाइड्रोजन है, 12 लगा दीजिए, ठीक है ना, 12 लगा दिए हमने। अब 12 लगाने के बाद में 12 नाइट्रोजन हुए तो 6 लगा दीजिए, 6 × 2 = 12, 6 × 5 = 30, 30 और 16 = 46 हो गया, 12 × 3 = 36 और 10 = 46 हो गया पूरा। तो बड़ा लोगे बड़े के साथ, अब क्या करवाओगे तो बड़ा और बड़ा ही मिलेगा आपको, जैसे कि नाइट्रोजन का तो N2O5 N2O5 में +5, इसके बाद में P4 में +5 था, तो फास्फोरस का +5 वाला ऑक्सी अम्ल H3PO4 होता है, ठीक है, आगे ऑक्सी अम्ल पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे बता दूंगा आपको, ठीक है ना, क्लियर है, ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, धन्यवाद।